हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सनस्क्रीन का रिव्यू। अभी तक आप लोगों ने सनस्क्रीन लोशन यूज किया होगा, सनस्क्रीन क्रीम फॉर्म में यूज किया होगा, बट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सनस्क्रीन को स्प्रे फॉर्म में। सो सुनकर थोड़ा सा अलग लग रहा हो ना। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए आगे और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। इंस्टाग्राम की आईडी लिंक यहाँ का स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है वॉ स्किन साइंस का ये सनस्क्रीन है। ये स्प्रे फॉर्म में, ये ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन है, तो काफी अच्छा हो जाता है ऑयली स्किन वालों के लिए। ये सनस्क्रीन SPF 30 है एंड इसकी प्राइस है 399 रुपीज। इसमें भी आपको 2 से 3 साल की शेल्फ लाइफ दी गई है। सो आपको ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड में आती है। अंदर में आपको इसकी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। सो मैं बात कर लेती हूँ कि ये प्रोडक्ट सन ब्लॉकर, नेचुरल सन ब्लॉकर है। इसमें रसबेरी एक्सट्रैक्ट है, कैरोट सीड एक्सट्रैक्ट है, एवोकाडो ऑयल है। ये भी डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है। शेक करना यूज करने से पहले, जैसा कि हम लोग को हमेशा स्प्रे फॉर्म वाली चीज को शेक करके यूज करना चाहिए। देन ये लिखा है कि आपके स्किन में एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर देता है, आपकी स्किन को कूल, हाइड्रेट एंड स्मूथ बनाता है। ये मेरे पास 100 ml की ये ट्यूब है, आई थिंक स्प्रे है। सो अब मैं इसकी आपको बैक साइड पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सब कुछ। ये यहाँ पर आपको सन का लोगो मिला है, बिकॉज सन के डे टाइम में आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। सो जो लोग अभी तक सनस्क्रीन को नहीं जानते हैं, जो तक अभी तक यूज नहीं किया है सनस्क्रीन, सो प्लीज आप लोग जाइए और आप सनस्क्रीन को ऑर्डर कीजिए अपने लिए, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग खरीदा कीजिए। सो मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ। इनर पैकेजिंग काफी अच्छी है इसकी, क्योंकि स्प्रे फॉर्म में आता है ये। आप देख सकते हो स्प्रे फॉर्म की ये है, ये डार्क ब्राउन कलर की है। आपको शेक करना है हमेशा यूज करने से पहले, और बस आपको इसे इस तरह से यूज करना है। सो मैं आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ। स्मेल काफी गुड है, रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है इसकी, क्योंकि इसमें फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स है। और ये प्रोडक्ट्स भी नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट्स एंड नो वेंडोनाइट्स है। सो ये काफी अच्छा सनस्क्रीन से। अगर आप लोग चाहते हैं सनस्क्रीन को बाय करना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये सनस्क्रीन काफी अच्छा है एंड अफोर्डेबल है। अभी तक मैंने लोशन फॉर्म वगैरह में सनस्क्रीन को यूज किया था, अप्लाई किया था, और जितने भी सनस्क्रीन होते हैं वो लोशन फॉर्म में आते हैं या फिर आपको क्रीम फॉर्म में ही अवेलेबल है मार्केट वगैरह में। आज तक अभी तक कोई भी सनस्क्रीन स्प्रे फॉर्म में मैंने नहीं ट्राई किया था। फर्स्ट टाइम मैंने स्प्रे फॉर्म में ये वॉ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स को यूज किया। आई लव दिस सनस्क्रीन। मैंने इसे यूज करा है काफी टाइम। मैं काफी इससे, मतलब कि मुझे इतना अच्छा लगा है इसे यूज करके। मेरी ऑयली स्किन है और मेरी स्किन में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है इस टाइम में, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। तो जो लोग बाहर जाते हैं, सुबह स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो लोग सुबह मॉर्निंग में अपने उठकर फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद आप रोज वाटर टोनर कर सकते हैं। टोनर करने के बाद किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर एंड इनफैक्ट आप एलोवेरा जेल को भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। यूज करने के बाद इस सनस्क्रीन को आप सिंपली आप अपने पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लो बस, और आपको कुछ नहीं करना है। पंखे के नीचे आपको खड़ा रहना है, तुरंत ही आपके फेस पे अब्सॉर्ब हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं डियर्स, और ये पूरे आपके फेस के अंदर चला जाता है। कुछ फील नहीं होता, ना ग्रीजी, ना आपको स्किन चिपचिपा लगता है, ना स्टिकी ऑयली, कुछ फील नहीं होता है। काफी टाइम तक ये आपकी स्किन में रहता है, आपको सन प्रोटेक्शन देता है। सनस्क्रीन लगाने के ये मेजर फायदा होता है हमारे स्किन में, जो सन रेस होते हैं, धूप होती है, धूप से जो बहुत ज्यादा हानिकारक जो उससे ये रोशनी निकलती है, उससे बहुत तरह के अजीब से एक निकलता है जो हमारे स्किन को बर्बाद करता है, हमारे जिल्द को खराब करता है। तो वो हमारे प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। सनस्क्रीन हमारे स्किन से सन टैन को मतलब होने ही नहीं देता। हमारे स्किन में जो सन डैमेज हो जाते हैं, इतना तक कि अगर आप सनस्क्रीन को अवॉइड करके धूप पे निकलते हो डियर, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। बहुत ज्यादा आपकी स्किन में पिगमेंटेशन हो सकती है, झुर्रियां भी आ सकती है। अगर आपकी ऑयली प्रॉब्लम, ऑयली स्किन वाले, तो उनको भी इनफैक्ट सनस्क्रीन अवॉइड नहीं करना चाहिए, सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना चाहिए। जो लोग घर में रह रहे, जैसे कि अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, ज्यादा लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, काम और स्कूल दफ्तर वगैरह सब कुछ बंद पड़ा है, तो अगर आप घर पर भी रहते हैं तो भी आप सनस्क्रीन का अप्लाई कीजिए, सनस्क्रीन को लगाया कीजिए। किसी भी ब्रांड का सनस्क्रीन लगाया कीजिए, लेकिन सनस्क्रीन को कभी भी
अवॉइड मत कीजिए, आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, बहुत डैमेज हो सकती है, सन टैन हो सकती है आपकी स्किन में, झुर्रियां आ सकती है। सो डियर होप आपको मेरा ये बात समझ आ रहा होगा। आगे से जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं आप लोग यूज जरूर कीजिएगा। सो इस प्रोडक्ट को मैं यूज करके आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने देख लिया मैंने सनस्क्रीन को किस तरह अप्लाई किया है। ये बहुत ही इजिली हो जाता है यूज करने में, हाइजेनिक है ये प्रोडक्ट। सिर्फ सिंपली आपको फेस पे ही स्प्रे करना है, और अगर आपके बॉडी एक्सपोज होती है तो आप अपनी बॉडी पर भी स्प्रे कर सकते हैं। बट बॉडी के सनस्क्रीन अलग आते हैं डियर्स, तो ये काफी अच्छा सनस्क्रीन है, आप इसे बाहर लगाकर जा सकते हैं। ट्रैवल फ्रेंडली साइज है ये, इसी साइज में अवेलेबल है, या अपने बैग वगैरह पे भी ट्रैवल करते जाते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट के पर यही तरह मेरा रिव्यू। आई होप अगर आपको पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इस प्रोडक्ट को अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अमेजोन नायका एंड वाव स्किन साइंस के वेबसाइट से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। आए दिन वहां पर अच्छे अच्छे ऑफर्स आते रहते हैं, डिस्काउंट प्राइसेस में आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।